नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आखिर बच्चे फंसे ही रह गए, नहीं निकल पाए। कोई भी हेल्प भारत सरकार से नहीं हो पाई। यूक्रेन से किसी को रेस्क्यू करके नहीं लाया गया। जो बच्चे अपनी मर्जी से निकल गए खतरों से खेलते हुए, वो तो आ गए। जहां पर कम लड़ाई थी वहां से निकल के आ गए। बच्चे सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं। वो रसिया से सटा हुआ है, 40 किलोमीटर बॉर्डर है वहां से। वहाँ बम गिरे जा रहे हैं, गोला बारूद की कोई कमी नहीं रसिया के पास। वो अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहा है, जहाज से गिराया जा रहा है, और बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। और पिछले 10 दिन से फंसे हुए हैं। 24 तारीख से युद्ध शुरू हुआ, उस दिन से फंसे हुए हैं। सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी इज द 10th डे ऑफ वॉर। टुडे वी गॉट अ न्यूज़ दैट रशिया हैज अनाउंस सीज फायर टू ओपन ह्यूमैनिटरी कॉरिडोर फॉर टू सिटीज। वन ऑफ देम इज मारियुपोल, व्हिच इज 600 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सुमी। सिंस मॉर्निंग वी आर कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू बॉम्बार्डिंग, शेलिंग, स्ट्रीट फाइट्स। We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happens to us, to anyone, Mission Ganga will be your biggest failure. This is the last video from the Sumi State University students, and we are just risking our life and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. This is our last video. भारत सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, कुछ भी नहीं कर पाया, बिल्कुल हवाबाजी हो गया। हमारी भारत सरकार की कूटनीति काम नहीं आया। कहते हैं ना कि हमारा दूसरा देश, बड़े बड़े देश देश हमारे दोस्त है, वो कुछ नहीं होता। आप गरीब आदमी है और आप किसी सुपर पावर से दोस्ती करेंगे, कोई अमीर आदमी से दोस्ती करेंगे तो जरूरत पड़ने पर काम नहीं देगा, वही हाल हुआ। पुतिन ने किसी को नहीं कुछ समझा, चाहे मोदी हो, चाहे बाइडन हो, चाहे सुपर सिक्स हो और चाहे G7 हो, कोई हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। पुतिन ने किसी को कुछ समझा ही नहीं, कीड़े मकोड़े से भी कम समझा, कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी का सुन ही नहीं रहा है। वो बम डाले जा रहा है, गिराया जा रहा है, लोग मर रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार का भी नहीं सुन पाया, सीज फायर हुआ नहीं। आज 4 घंटे के लिए ऐसे इलाके में सीज फायर किया है जहां से वो यूक्रेनी लोगों को खाली कराना है, मतलब वहां से हटाना है, क्योंकि वहां बिजली पानी सब कुछ ध्वस्त हो गया, सब लोग मर रहे हैं। तो उस एरिया को खाली करा के कहां ले गए हैं, जहां रूसी कब्जे वाली एरिया में लेके गए हैं। देखा जाए तो एक तरह से कब्जा किया गया कि रूसी कब्जे वाला एरिया में ले जाके उसको वहां कब्जा करके रखो, और इधर तो बंद ही हो गया, इधर भी कब्जा हो गया, तो वहां से खाली कराया गया है। उस एरिया से कोई भारतीय अगर निकला होगा तो निकला होगा, सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी से कोई भी नहीं निकला है। आज दुखी होकर बच्चे एक वीडियो डाल रहे थे, वो बाहर निकल गए थे भारतीय झंडों के साथ और कह रहे थे कि हम पैदल ही निकल रहे हैं, और ये रोते हुए और दुखी मन से कि ये मेरा आखिरी वीडियो है हम लोगों का, बच गए तो बच गए और मर गए तो गुड बाय और जय हिंद। और हमारी जो सारे कुछ अगर हुआ तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी थी निकालने का, उन्होंने नहीं निकाला। अगर हम मरते हैं तो ये भारत सरकार रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, और एम्बेसी तो निकलने लगे थे, लेकिन उसी बीच शायद पता चला कि उनको रोक दिया गया है, बाहर नहीं निकलने दिया गया है, वो हॉस्टल में ही है। एम्बेसी को पता चला होगा कि वीडियो वायरल हो रहा है, तो उन्होंने उनको रोक दिया है। वहां वो रुके हुए हैं, 800 बच्चे वहां फंसे हुए हैं, कोई हेल्प नहीं। इसी बीच आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का एक आया है, अरिंदम बागची का, कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई सेलिंग रोक दो, रोक दो, रोकने वाले तो है नहीं, और जब तक रुकेगा नहीं तब तक बच्चे वहां से आ नहीं सकते, उस एरिया से नहीं निकल सकते। रूस की मेहरबानी पे है, अगर बम भी चल रहे हैं तो रूस चाहे तो उसको अपने बॉर्डर में, 40 किलोमीटर दूर है उनके बॉर्डर से, वो अपने गाड़ियों में ले जा सकते हैं। कल एक खबर आई थी कि 130 बस खड़ी है, उनको रूसी सेना निकाल के ले जाएगा, मैंने भी चलाया था, लेकिन वो खबर वो हवाबाज था, फुस। मीडिया तो तुरंत चलाता है ना भारत का, ANI की खबर था और वो गलत निकला, क्योंकि वो रूसी बस रूस के बॉर्डर में है, या नहीं है रूस के, रूस कंट्री जहां है वहां पे है, वो यूक्रेन में नहीं है, वो 40 किलोमीटर दूर खड़ी है। तो उस बस से क्या होगा, बच्चे अगर वहां पहुंच ही जाएंगे बॉर्डर पे तो फिर बस क्यों चाहिए, वो तो रूस में पहुंच गए, वहां तो बम नहीं गिर रहा है, तो वो बस किसी काम का नहीं है। हमारे डमरूबाज प्रधानमंत्री न पुतिन को मना पाए न स्टूडेंट को ला पाए। स्टूडेंट ऐसे एरिया से आया जा रहा है, लाया जा रहा है जहां वो युद्ध हो ही नहीं रहा है दूसरे देशों से, तो उनको एक जहाज में बैठा के लाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। वो रेस्क्यू क्या है, ठीक है ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां से लाना था, जहां से रेस्क्यू करना था वहां से नहीं हुआ, जहां से एयरलिफ्ट करना था वहां से नहीं हुआ। गांव के हैं, गांव में रहते हैं, आप सब जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा, बहुत आग लगते रहती है, झोपड़पट्टियों में आग लगता है,
तो वहां कुछ लोग बहुत बेचैनी से आग को बुझाते हैं, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बुझाए, कुछ करें बचाए। जब झोपड़ी की आग जब लगती है बहुत तेजी से फैलती है, बुझना है नहीं लेकिन फिर भी लोग पानी निकाल के लाते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। बाद में कुछ लोग जो दूर खड़े होते हैं वो तमाशा देख रहे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको पता है कि आग लगी हुई हम बुझा भी नहीं पाएंगे, बुझेगा भी नहीं, तो मेहनत ही नहीं करते हैं। वो दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं, आग बुझने के बाद वहां पहुंचते हैं और फिर उस पर मिट्टी डालेंगे और घर वालों को दिखाएंगे कि अरे हम तो बुझा दिए, क्योंकि घर वालों को पता नहीं ना कौन कौन बुझा रहा है, वो तो बेचारा परेशान रहता है। बाद में वो क्रेडिट लेने के लिए वहां पहुंचते हैं और मिट्टी डालेंगे, बेचैनी, अरे भाई अरे नहीं बचा पाए, इतना पानी लाए, सब कुछ झूठा क्रेडिट, और घर वालों को संतावना देंगे। वही हमारा डमरू आज प्रधानमंत्री है, हमेशा यही हुआ है, जब भी भारत मुसीबत में होता है प्रधानमंत्री गायब, मिसिंग इन एक्शन। आपने 8 सालों का देख लीजिए, जब भी भारत को जरूरत पड़ी है, फर्स्ट लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गायब, सेकेंड लॉकडाउन में गायब, जब लोग कोविड में मर रहे थे गायब, और बाद में फिर आ जाते हैं। आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, गृह मंत्री भी गायब, कोई था ही नहीं कोविड में, गायब 15-20 दिन तक तो ट्वीट भी नहीं आ रहा था, कहाँ है कुछ पता नहीं। तो मिसिंग इन एक्शन, और अभी भी यही हाल है, क्योंकि इनसे ना पुतिन माना और ना वहां से निकाल पाए, सीज फायर हुआ नहीं, तो इन्होंने चुपचाप डमरू बजा रहे हैं वहां बनारस में बैठ के, एक प्रधानमंत्री मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, यही दिख रहा है, बनारस में बैठ हुए कैंप करके, वहां की बनारस से हमको जीतना है, इज्जत का सवाल बन गया। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही जीत जाता है, लेकिन उनको पता है कि मैं हार रहा हूं तो वहां बेचैनी भरी हुई है। तो कुछ नहीं हुआ, हमारे भारत के स्टूडेंट वहां फंसे रह गए, बहुत बुरे हाल से हैं। एक बात मैं भारत के किसानों को कहना चाहता हूं, इंडियन फार्मर्स को और इंडिया के लोगों को, आज से आप लोग अनाज बर्बाद करना बंद कर दें। मैं कुछ कह रहा हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं क्या बोलने वाला हूं। आज से अनाजों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, जितना कम खा सकते हैं, जिससे आपको जरूरत है उससे ज्यादा न खाएं। और किसानों को कहना चाहता हूं कि अनाज उगाएं ज्यादा से ज्यादा, हर तरह के जरूरत की हर चीज उगाइए, अपने लिए उगाइए, खाली खेत मत छोड़िए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अनाज की बहुत कमी होने वाली है पूरे वर्ल्ड में, और हमारे भारत में भी बहुत सारे चीज भारत में आयात होता है बाहर से, वो नहीं मिल पाएगा, और दूसरे देशों को भी जरूरत पड़ेगी, तो दूसरे देशों को जरूरत पड़ेगी तो आपको पैसे मिलेंगे, आपके पास अनाज होगा तो बेच पाएंगे, और अपने लिए भी बचा के रखना है, क्योंकि यूक्रेन सबसे ज्यादा अनाज निर्यातक था, गेहूं निर्यात करता था, यूक्रेन हो गया है खत्म, और रशिया की भी हालत खराब है, और ये विश्व युद्ध पता नहीं कहां जाएगा जो लड़ाई चल रही है, तो नुकसान होना है, समय बिल्कुल खत्म नहीं करना है। आपको जो भी सीजनल फसल होता है इस समय, अभी जो लगता है वो लगाइए, कम समय वाला फसल लगाइए, ज्यादा से ज्यादा उगाइए, बहुत जरूरी है, सब लोगों को कह रहा हूं। भारत भी खतरे में है, पूरा विश्व खतरे में है, मानवता खतरे में है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है और सावधानी जरूरत है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री उस समय भी गायब हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी अनाज की तो कहीं से नहीं लाएगा, वो गायब हो जाएगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों का, तो हमें अपने आप केयर करना पड़ेगा, सावधानी जरूरत है। हमारे पास नेता है ही नहीं, हवाबाज नेता है, तो हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, जनता भूखे मर जाएगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।